तो बेसिकली यार ये वाली जगह पर ना, हाँ ये सेंट्रल प्लाजा है, यहाँ पर आपको यार हर तरह का खाना मिलता है। तो यार खाना तो काफी टेम्पटिंग लग रहा है और गाना भी चला रखा है इन लोगों ने। यार ये बहुत खाना अच्छा है। और यार आप सोचो रात में आपको ऐसा खाना मिल जाए रात के 2:30 बजे। यहाँ का खाना अच्छा है और यार आप सोचो रात में आपको ऐसा खाना मिल जाए रात के 2:30 बजे। Yo guys, welcome back to another vlog. Life Razi में आपका स्वागत। हम लोग पहुंच गए हैं एक और जगह पर, बस पहुंचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पर भी हम पहले आए हुए हैं, आपने हमारा व्लॉग देखा होगा जो 24/7 वाली जगह है गुड़गांव में, जहाँ पे चायोज है, 0 डिग्री है, तो वहीं पर ही जा रहे हैं। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे रात में हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारी हालत हो रही है, टाइम हमारे पास कम है, लगा कि यार अभी ही चल देते हैं। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप एक्सप्लोर द अनसीन जो व्लॉगर हैं उनको फॉलो करते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत बार आते हैं, उनके रेफरेंस से ही हम यहाँ पर आए। उन्होंने बोला नहीं था यहाँ पे आओ, लेकिन हम घूमते विमते एक बार यहाँ पर पहुँच गए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा था। तो अब यहाँ पर हम 5वीं या 6ठी बार आ रहे हैं। अच्छी वाइब है, 24/7 जगह है और 24/7 आउटलेट भी है वहाँ पर। आप रात में आपको खाना भी मिल जाता है, और क्या चाहिए। तो वहाँ पे जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। सेंट्रल प्लाजा है गोल्फ कोर्स रोड पे, जहाँ पे अब हम जा रहे हैं। तो यार फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं 24/7 अपनी जगह पर। यहाँ पे जाएंगे हम 0 डिग्री, वहाँ पे खाएंगे थोड़ा बहुत खाना। भूख भी लग रही है, लेपर्ड ट्रेल में हमने कुछ खाया नहीं, शोटल में बस लेमनेट पिया, यार वो भी ठंडा नहीं था, लेकिन ठीक था, अच्छा तो लगता है यार, उसका टेस्ट उसका फ्लेवर बहुत मस्त लगता है। तो अभी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बैठ के कुछ खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं। तब आपने चाय उसका पालक पालक पटाटा चाट हाँ खाया, कैसे लगता है? खाया यार, हम लोगों ने उस दिन खाया था ना साथ में। अरे हाँ, उस दिन खाया था। मुझे लग रहा है यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा होगा, पर यहाँ पे तो ऐसे कुछ नहीं है, गाने म्यूजिक लगा रखा है लोगों ने। तो बेसिकली यार ये वाली जगह पर ना, हाँ ये सेंट्रल प्लाजा है, यहाँ पर आपको यार हर तरह का खाना मिलता है बेसिकली। और ऐसे जो ये चौबारा है, ये 24/7 रहता है। ये भी साहिल हमें कुछ टिप्स दे रहे थे। टिप्स क्या दे रहे थे, बता रहे थे कि हैविंग अ डॉग क्या क्या आपकी लाइफ में चेंज हो जाते हैं। तो एक चेंज तो ये होता है कि लाइक आप एक तरीके से किसी एक बेबी को पाल रहे हैं, राइट? हाँ भाई, पेरेंटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस होता है। अभी हम 24/7 में आए हैं काजू के लिए कुछ चीज़ें लेने। पनीर, मदर डेरी पनीर, और ब्रेड लेना है ना। साहिल कुछ बिलिंग करा रहा है, वो लोग 0 डिग्री में बैठे हुए हैं। हम आज अंदर नहीं बैठे क्योंकि वो डॉग फ्रेंडली नहीं है, डॉग सिर्फ बाहर ही अलाउड है। तो साहिल आ जाए तो फिर चलते हैं 24/7 अपना सेंट्रल प्लाजा। कुछ ला के दिया है उन्होंने अभी तक? काजू का तो खाना आ रहा है। मुझे लगा वीडियो के चक्कर में लेट कर दूंगी, क्योंकि प्यास लग रही थी, बेटा आ गए। मैं तो आगे, वो नहीं आए वो बिलिंग करा रहे हैं। कैसा है लोगों, स्ट्रॉबेरी शेक अच्छा है हमेशा की तरह? तो यार सबके शेक आ गए और मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ एकदम आइस डाल के, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और इनको मच्छर डिस्टर्ब कर रहे हैं इनके। यस, निकिता और मैंने लिया था स्ट्रॉबेरी शेक, और ये एक नंबर का है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉबेरी शेक हमने जितनी बार भी जब भी खाया। और साहिल ने लिया था ब्लूबेरी शेक, कैसा लगा आपको साहिल? यार ये बहुत अच्छा है, मतलब माइंड ब्लास्टिंग है ये एकदम पॉजिटिव रिव्यू। और इसी बीच हमारे पिज्जा भी आ गए, हमने 3 पिज्जा ऑर्डर करे थे, एक पनीर। हाँ, ओशन ब्लू कैसा लगा आपको? मेरा अच्छा है, लेकिन रिव्यूज वो ज्यादा अच्छे दे रहे हैं, खराब सुनवाओ। ऐसा लगा कि हम लोग वहाँ गए ठीक है, यहाँ का खाना अच्छा है। और यार आप सोचो रात में आपको ऐसा खाना मिल जाए रात के 2:30 बजे, तो मजा ही आ जाए। और सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबल है काफी। नहीं दिख रहा था।
इनसे बात कर ली, हमने सबके रिव्यू ले लिए, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन वर्थ है, सही है, सबको यही अच्छा लग रहा है इसके शेक्स विक्स। मैं तो चाहते हुए एक और शेक लूँ निकिता, मैं भी शायद एक और पी लेंगे स्ट्रॉबेरी शेक। पिज्जा भी बहुत मस्त है यार, पनीर वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि थोड़ा स्पाइसी है। आपने शायद वो डाला नहीं है चिली फ्लेक्स। यहाँ पे ये कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज़्यादा फूडी है। साहिल अपने आप को पिच कर रहा है, उनकी वाइफ उनको सपोर्ट कर रही है। तो यार हम पहली बार जीरो डिग्री में मेन कोर्स खाने वाले हैं, दाल रोटी। हमने मंगाया दाल मखनी और मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता एकदम शाही ग्रेवी में है, वाइट वाली ग्रेवी में, तो देखते हैं कैसा लगता है। तो यार खाना तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है और गाना भी चला रखा है इन लोगों ने। यार अभी हमने डिनर भी पूरा कर लिया, हमने मंगाई थी दाल मखनी मलाई कोफ्ता और रोटी और ग्रीन सैलेड जीरो डिग्री में, और काफ़ी अच्छा था यार। मलाई कोफ्ता थोड़ा क्वेश्चनेबल था इन सब लोगों के लिए, लेकिन मुझे सही लग रहा था, सबका अपना अपना टेस्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दाल मखनी अच्छी थी, हाँ दाल मखनी अच्छी थी। और हम लोग फिर से अपना दिन को अंत कर रहे हैं फिर से इनका शेक पी के, यार बहुत सही लगता है, ये लोग भी कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? यार बढ़िया था, मतलब कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल प्लेस, नॉट अ वेरी बिग प्लेस, बट इनका वो कहते हैं ना जगह छोटी बट खाना बहुत अच्छा, सब कुछ नहीं होता वैसे। ये तो आपने उल्टा कर दिया, ऊंची दुकान फीका पकवान, छोटी दुकान मीठा पकवान, छोटी दुकान बहुत अच्छा पकवान, सो बहुत अच्छा है, फूड इज बहुत लेडी। वो दाल मखनी थोड़ी सी बेटर हो सकती है, बट आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? हाँ हाँ आपको कैसा लगा? सेम टू सेम स्टार्टर्स अच्छे थे। काजू काजू खुश है, काजू खुश है। तो यार ओवरऑल मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। तो यार जीरो डिग्री मस्त था, मजा आया। अभी यहाँ से निकलते हैं और घर जाते हैं। इसके अलावा तो हमारा आज ओवरऑल दिन मुझे बढ़िया ही रहा। और बात करूँ मैं इस जगह की, जितनी बार भी हम यहाँ पर आए हैं हमें अच्छा ही लगा यार यहाँ पर आकर। 24/7 एरिया है, काफ़ी सारी आउटलेट्स यहाँ पे 24/7 रहते हैं और माहौल रहता है यहाँ पर आपको यार रात का। तो चलें काजू बाय, काजू से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना इनको। ठीक है इस जगह कर देते हैं बाय बाय और मिलते हैं आपसे एक और नए मस्त व्लॉग में कल से। ये अपनी गोल्फ कोर्स रोड वाली मेट्रो जा रही है और करीबन 10:30 हो रहा है, तो इस टाइम पे भी चल ही रही है। चलो बाय साहिल, बाय बाय बाय। दिख नहीं रहा वैसे इसमें कोई भी, लाइट बहुत कम है। चलो बाय साहिल, बहुत अच्छा लगा, लाइफ राजी हमारी। बाय बाय बाय। तो इन लोगों को बाय बाय कर दिया यार, हम भी घर आ गए, एकदम अंधेरा हो रखा।